हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पूरी होटल के इस सीरीज में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में मैं आपको पूरी के कुछ खास लग्जरियस होटल्स को दिखाऊंगा, उसके साथ साथ कुछ नॉर्मल बजट के भी होटल को दिखाऊंगा, जिसमें आपका 3 स्टार से 5 स्टार का होटल भी रहेगा और कुछ नॉर्मल होटल भी रहेगा। ये होटल सिर्फ आप हॉलीडे के पर्पज से ही नहीं, आप लोग अगर प्लान कर रहे हो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो भी यहाँ पे करा सकते हो। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन काफी जोर शोर से चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऐसा होटल दिखाया जाए जहाँ पे आप डेस्टिनेशन वेडिंग आराम से ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों की इसी तलाश को पूरी करते हुए आज मैं आपको पूरी के एक बेस्ट 3 स्टार लग्जरियस रिसोर्ट पे लेके चलता हूँ, जिसे यहाँ ब्लू लिली बीच रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह रिसोर्ट काफी सुंदर और काफी बड़ा है। इस रिसोर्ट को मैं तो आपको पूरे घूम घूम के दिखाऊंगा, उसके साथ साथ इसका रूम और रूम का टैरिफ भी क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक और रिक्वेस्ट रही, प्लीज वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे और साथ में एक प्यारा कमेंट लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप लोगों के भारी डिमांड में फिर से एक बार ब्लू लिली बीच रिसोर्ट पुरी का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पिछली वीडियो में कुछ जानकारी अधूरी थी, जिसको मैं इस वीडियो में पूरा करूंगा। सबसे पहले जानते हैं आप इस रिसोर्ट पर कैसे आ सकते हैं। यह रिसोर्ट न्यू मरीन ड्राइव रोड बलियापंडा पुरी 752001 में स्थित है। चलिए अब रिसोर्ट में एंटर करते हैं। गेट से एंटर करते ही आपके ठीक बाई तरफ यहां का रिसेप्शन है। रिसेप्शन से आप जब आगे की ओर जाएंगे तो सीधे में लाउंज एरिया है। यहां पर रूम चेकिंग करने या किसी अन्य सेवा के लिए बैठ सकते हैं। और ये रहा यहां का एक बड़ा सा हॉल रूम। यहां पर ये आप लोगों के अनुसार डिनर, लंच या कोई अन्य बड़ी पार्टी अरेंज कर सकते हैं। और ठीक उसी के बगल में एक और बड़ा सा हॉल है। चलिए पहले आपको फर्स्ट फ्लोर के कुछ रूम को दिखाते हैं। ये रहा यहां का स्टैंडर्ड रूम, काफी आलीशान है। इस रूम में एक साथ आराम से 3 लोग स्टे कर सकते हैं। इस रूम के साथ अटैच बेल्कोनी भी मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। इस रूम में एक किचन भी है। अब चलिए आपको इस रूम के टॉयलेट को दिखाते हैं। ये रहा इस रिसोर्ट का स्वीट्स रूम। वाह, काफी सुंदर रूम है। रूम की साइज की बात की जाए तो स्टैंडर्ड रूम की तरह ही इसका साइज है। इस रूम के साथ भी अटैच बेल्कोनी है।
आपको इस रूम में एक सोफा कम बेड मिल जाएगा। अब चलिए इस रूम के टॉयलेट को देखते हैं। ये रहा यहां का फैमिली स्वीट रूम। इस स्वीट्स में आपको दो अलग अलग बेडरूम मिलते हैं और उसके साथ अटैच हॉल रूम विद सोफा है। चलिए आपको इस रूम को दिखाते हैं। इस रूम के साथ आपको हल्की सी सी व्यू देखने को मिलेगी। इस रूम में आपको एक सेपरेट टॉयलेट मिल जाएगा। चलिए अब इस फैमिली सुइट्स के एक और रूम को दिखाते हैं। दोनों ही रूम का इंटीरियर और साइज बराबर है। इसके अलावा इस फैमिली सूट में एक किचन भी है। खाना बनाने देंगे या नहीं, इसके लिए आपको रिसेप्शन में बात करना होगा। चलिए अब आपको ग्राउंड फ्लोर के कुछ रूम को दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग है तो आप इस ग्राउंड फ्लोर के रूम को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की ही तरह यह रूम भी सेम है। चलिए अब इस रूम के टॉयलेट को देखते हैं। इस रूम में भी एक अटैच किचन है। ये रहा यहां का डबल बेड वाला रूम। ये पहला रूम है। और वो रहा दूसरा रूम। मगर इन दोनों रूमों में सिर्फ आपको एक ही कॉमन टॉयलेट मिलेगा। ये रहा टॉयलेट और ये रहा सेकेंड रूम। यह रूम थोड़ा छोटा है पहले रूम के हिसाब से। चलिए अब आपको इस रिसोर्ट के मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट को दिखाते हैं, जो है यहाँ का स्विमिंग पूल। वाकई दोस्तों, काफी सुंदर सा स्विमिंग पूल है। जब आप इसे ऊपर वाले एंगल से देखेंगे तो आपको ये और भी अलग और सुंदर दिखने में लगेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है इस रिसॉर्ट में और भी कुछ देखने को बाकी है? अगर ऐसा है तो और भी अभी बाकी है। इस रिसॉर्ट में आपको एक लॉन एरिया भी मिल जाएगा, जहां पे आप खुले आसमान में बैठ के डिनर या पार्टी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से।